अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाका चंद्रबदनी से धर दबोचा है। पकड़े जाने से पहले आरोपी ने पुलिस को काफी दौड़ लगवाई, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और 2 किलोमीटर की दौड़ भाग के बाद आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना प्रभारी मनीष धाकड़ ने बताया कि सूचना मिली थी कि नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार आरोपी नाका चंद्र बदनी पर आया हुआ है। इसका पता चलते ही SI प्रदीप कुमार प्रधान, आरक्षक मनोज शर्मा, आरक्षक अनुराग और कुलदीप को आरोपी को दबोचने के लिए रवाना किया गया। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा और गलियों में प्रवेश कर गया। आरोपी को भागते देखकर पुलिसकर्मी भी उसके पीछे लग गए और 2 किलोमीटर की दौड़ भाग के बाद आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी ने 8 दिन पहले सिंधिया नगर निवासी 14 वर्षीय किशोरी को बहलाकर रेलवे ट्रैक पर लाया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद ही आरोपी फरार था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। विश्वविद्यालय थाने के CSP रत्नेश सिंह तोमर ने कि नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है।